हेलो एवरीवन, फोटोशॉप लर्नर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम टील एक्वा इफेक्ट क्रिएट करने वाले हैं फोटोशॉप के अंदर। इसका मैं आपको एक्शन भी दूंगा, आप सिंपल से उस एक्शन को हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और जिप फाइल का पासवर्ड हमारे वीडियो के बीच में रहेगा। आइए दोस्तों शुरू करते। तो मेरे पास यहाँ पर एक सैम्पल इमेज है जो कि मैंने गूगल से डाउनलोड किया हुआ है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें यहाँ पर जो बैकग्राउंड लेयर है उसका डुप्लीकेट लेयर करना है। इसके लिए मैं देखिए यहाँ पर इसको मैंने ड्रैग किया यहाँ पर ऐड पे, या फिर आप कंट्रोल प्लस जे कीबोर्ड पर प्रेस कर सकते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से क्रिएट अ न्यू फिल और एडजस्टमेंट लेयर पर क्लिक करना है। फिर हम जाएंगे चैनल मिक्सर के अंदर और यहाँ पर जो ब्लू की वैल्यू है उसको हमें डालना है 100 और यहाँ पर जो ग्रीन की वैल्यू है उसको हमको करना है 0। देखिए यहाँ पर ये रेड इफेक्ट आया है तो हमें रेड नहीं चाहिए, तो मैं इसको फिर से 0 करूँगा और इसको 100 करूँगा। मैं जाऊँगा यहाँ से ब्लूज़ के अंदर, इसको मैं 0 करूँगा और इसको 100 करूँगा। मेरा टोन अचीव हो चुका है। उसके बाद में मैं क्या करूँगा, फिर से जाऊँगा एडजस्टमेंट लेयर में। यहाँ पर जाने के बाद में मैं ह्यू एंड सैचुराइजेशन को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर मुझे क्या करना है, ये कलर को सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर जो क्लिक एंड ड्रैग इमेज मॉडिफाई सैचुरेशन का जो टूल है उसको मैं क्लिक करूँगा और यहाँ से ये कलर को रेंज को सिलेक्ट करूँगा। यहाँ से देखिए इस तरीके से सैचुराइजेशन इंक्रीज करूँगा। उसके बाद में हमें क्या करना है दोस्तों, उसके बाद में हमें क्या करना है कि हमें फिर से जाना है एडजस्टमेंट लेयर में और यहाँ पर जाने के बाद में मुझे लेवल्स में जाना है। लेवल्स में जाने के बाद में मुझे क्या करना है, यहाँ पर डीहेज लुक लाना है। इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको ब्लैक की तरफ एडजस्ट करूँगा और नीचे से इसको इस तरीके से अंदर की तरफ इंक्रीज करूँगा जिससे मेरे फोटो में एक डीएस लुक आएगा। अभी हमें क्या करना है, इन तीनों लेयर को शिफ्ट दबाकर क्लिक करना है और कंट्रोल जी प्रेस करना है कीबोर्ड के ऊपर। फिर हमें क्या करना है, यहाँ पर इसके ऊपर मास्क लगाना है, इसलिए मैं अल्ट दबाकर मास्क पर क्लिक करूँगा। मास्क लग चुका है, फिर मैं इसको इन्वर्ट करूँगा। अभी मुझे क्या करना है, बैकग्राउंड लेयर पर क्लिक करना है और जाना है सिलेक्ट में। सिलेक्ट में जाने के बाद में हमें क्या करना है, कलर रेंज पर क्लिक करना है। कलर रेंज पर क्लिक करने के बाद सिलेक्ट में देखिए यहाँ पर सैम्पल कलर्स आता है, तो यहाँ पर हमें हाईलाइट मिड टोन शेडो दिखता है। यहाँ पर स्किन टोन पर हमें क्लिक करना है और फजीनेस को यहाँ पर इंक्रीज कर देना है। इसके बाद में ये हमारे स्किन टोन को सिलेक्ट करता है। स्किन टोन सिलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर मास्क पर क्लिक करना है और यहाँ से हमें ब्लैक कलर को बैकग्राउंड लेयर में रहने देना है और हमको कंट्रोल बैकस्पेस दबाना है। इससे क्या होगा, यहाँ पर ये सारे जगह पे जो सिलेक्शन लिया है ये रिमूव हो जाएगा। कंट्रोल डी सिलेक्ट करने के लिए, और देखिए बिफोर एंड आफ्टर। इससे क्या हुआ है दोस्तों, जो स्किन पे जो कलर था वो इसने यहाँ पर सिलेक्ट नहीं किया है। उसके बाद में हमें क्या करना है, उसके बाद में हमें क्या, सिंपल सा फोटो में ये करेक्शन हो चुका है, लेकिन अभी हम क्या करेंगे, इसी को कॉपी करके इन सारे नेक्स्ट लेवल्स पे डालने वाले। यहाँ पर मेरा पहले से मैंने इसका एक्शन रिकॉर्ड करके रखा है। तो देखिए यहाँ पे स्टील एंड एक्वा ऑरेंज नाम का मेरा प्रीसेट है, मैं इसको अप्लाई करता हूँ। वन क्लिक में मेरा फोटो एडिट हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, अभी इसमें हम हमारे हाथ से छेड़खानी कर सकते हैं, जैसे कि अभी मुझे लेवल्स यहाँ पर नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, बी दबाऊँगा कीबोर्ड पर, ब्रश सिलेक्ट हो जाएगा और लेवल्स के ऊपर जाकर बी को इस तरीके से पेंट करूँगा। यहाँ पर मेरा वाइट कलर सिलेक्ट है इसलिए पेंट नहीं हुआ, तो हमको यहाँ पे फिर से ब्लैक लेना है ब्रश के ऊपर। और देखिए दोस्तों कितनी सुंदर तरीके से मेरा फ़ोटो अभी एडिट हो चुका है। आपको मैं बिफोर आफ्टर दिखाऊँ, तो बिफोर आफ्टर के लिए ये देखिए बिफोर एंड आफ्टर सेकेंड इमेज। यहाँ पर जाऊँगा मैं फिर से, आपको कुछ नहीं करना है, जो मैं एक्शन दूंगा आपको उसको ड्रैग करना है फोटोशॉप के अंदर, वो यहाँ पर एक्शन बॉक्स में आ जाएगा और आपको उसको सिर्फ प्ले करना है। मेरा एक्शन अप्लाई हो रहा है। जो हमने अभी यहाँ पर जो फोटो क्रिएट करा था वही हमारा एक्शन है। देखिए मैं इसको फिर से यहाँ पर डिलीट करता हूँ और आपके सामने इसको प्ले करके दिखाता हूँ। टील एक्वा इफेक्ट इन 1 मिनट ओनली।
अगर आपको इसी तरीके से और भी वीडियोस चाहिए दोस्तों, तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और आपके दोस्तों के बीच में मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।